जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो वीडियो एडिटिंग को लेके काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जब वो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है वीडियो एडिटिंग को लेकर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फिल्मोरा 12 की बेसिक वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बेसिक ऑप्शंस इसके बताऊंगा जो कि बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो एडिटिंग को, अपनी स्किल्स को जो है पॉलिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो फिल्मोरा 12 है उसके ऊपर बताऊंगा कि फिल्मोरा 12 के ऊपर बेसिक एडिटिंग हम लोग किस तरह करेंगे। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पे रोज आने वाली इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम जाया करे आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ कि फिल्मोरा 12 के अंदर बेसिक वीडियो एडिटिंग किस तरह होगी। जी तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से फिल्मोरा 12 ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये फिल्मोरा 12 है, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए। अब देखें, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की आप लोगों के पास स्क्रीन आएगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट प्रोजेक्ट, सेकंड ऑप्शन है क्लाउड प्रोजेक्ट, थर्ड ऑप्शन है क्रिएटर हब, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं बेसिक एडिटिंग बता रहा हूँ, इसकी ऑप्शंस तो इसमें बहुत हैं मगर बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ बस बेसिक एडिटिंग। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये कैनवस आप लोगों के पास आएगा तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो फिल्मोरा 12 इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा और ये तमाम कैनवस स्क्रीन हमारे सामने आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, देखें मैंने एक जो है टेस्ट के लिए यहाँ पे वीडियो रखी हुई है, ठीक है, तो इस वीडियो को हम ड्रैग कर लेंगे अपने फिल्मोरा 12 के अंदर। देखें यहाँ से हमने ड्रैग करा और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। अब ये पूछ रहा है हमसे कि जैसे ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा यहाँ पे वीडियो को, कि जो वीडियो की FPS है और उसके रेजोल्यूशन है हमें वो क्या रखनी है, हमें वो 29.97 FPS पे रखना है या 25 FPS पे रखना है। तो बेस्ट जो होता है वो 25 FPS होता है, तो हम इसको यहाँ से 25 FPS पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक करा तो यहाँ पर देखें ये हमारी वीडियो आ गई और यहाँ ये है इसकी टाइमलाइन, ठीक है। अब इस वीडियो को हम ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे जिस फ्रेम पे आप रखना चाहें उस फ्रेम पे इस वीडियो को आप रख लें। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो की जो है वो टाइमलाइन आ रही है सारी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखें ये इसका म्यूज़िक आ रहा है। तो म्यूज़िक को फ़िलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं भी बोल रहा हूँ और बीच में इसका जो है म्यूज़िक है वो भी प्ले होगा, तो मेरी आवाज़ और म्यूज़िक की आवाज़ दोनों आपस में जो है डिस्टर्ब होंगी। तो इसका म्यूज़िक जो है हम इसमें से वीडियो में से सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम इसके ऑडियो के ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखें ऑडियो जो है, ऑडियो डिस्पैच का ऑप्शन आ रहा है, डिस्पैच ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है और म्यूट का ऑप्शन आ रहा है। अब देखें अगर मैं म्यूट कर दूंगा तो इसका वीडियो का जो ऑडियो है, साउंड है, वो म्यूट हो जाएगा। मगर अगर आपने वीडियो का साउंड अलग करना हो और साउंड को अलग कट करना हो और जो उसकी वीडियो को अलग कट करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ डिस्पैच करेंगे। तो डिस्पैच करके भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्पैच पर क्लिक करूँगा, डिस्पैच ऑडियो। जैसे ही मैंने डिस्पैच ऑडियो पर क्लिक करा तो देखें इसने इस जो वीडियो है इसकी ऑडियो की फाइल अलग कर दी और वीडियो की फाइल अलग कर दी, ठीक है। तो ऑडियो को ये ऑडियो की लेयर पे लेकर आ गया और वीडियो को वीडियो की लेयर के ऊपर लेकर आ गया। अब मैंने अगर यहाँ पे बीच बीच में से कट करना है इसको ऑडियो को, तो मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैंने इसको डिलीट करना है तो मैंने सेलेक्ट करा इसकी लेयर को और जस्ट डिलीट का बटन दबा दिया, तो ये ऑडियो जो है अब इस वीडियो के अंदर से कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब चलें जल्दी से इसको एडिट करते हैं। अब देखें जगह जगह से जो है मुझे इसके सीन्स लेने हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट सीन ले लेते हैं हम लोग, ये जो आ रहा है गर्ल्स का, इसको हम कुछ सेकंड का ले लेते हैं। यहाँ से ये समझे हमने इसको 5 सेकंड का ले लिया, ठीक है। अब हमने इसको अगर 5 सेकंड का लेना है तो उसके बाद देखें यहाँ पे जो है ये आइकन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें इसने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन, इस सीन के बाद नेक्स्ट सीन मेरे पास कौन सा आना चाहिए, मैं आगे गया, मैंने कहा कि नेक्स्ट सीन यहाँ से आना चाहिए, तो यहाँ पर हम टाइमलाइन को लेकर आए और दोबारा इस आइकन पर क्लिक करा और ये जो बीच का पार्ट है ये हमें डिलीट करना है, तो हमने जस्ट डिलीट का बटन दबा दिया। जैसे ही हमने डिलीट का बटन दबाया तो वो पार्ट डिलीट हो गया और ये देखें ये वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। ये पहले फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उसके बाद फौरन सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट को भी हम जो है 5 सेकंड का ले लेते हैं। ये देखें यहाँ से हमने इसको 5 सेकंड का ले लिया और यहाँ से इसको दोबारा से कट कर दिया। अब थर्ड पार्ट है हमारा, देखते हैं हम थर्ड पार्ट कौन सा लें अपना, तो ये हम अपना थर्ड पार्ट ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आते हैं, दोबारा इसको कट करते हैं और ये बीच की जो हमारी फालतू टाइमलाइन है इसको डिलीट कर देते हैं।
अब ये थर्ड पार्ट आ गया, इसमें से जितना भी पार्ट लेना है हमने 15 सेकंड का ले लेते हैं, सॉरी 5 सेकंड का, और इसको दोबारा से कट कर देते हैं। अब फोर्थ पार्ट हमें कौन सा लेना है, हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया, इसको भी हम ले लेते हैं 5 सेकंड का और यहाँ से कट कर देते हैं। अब और अगर हमें कोई पार्ट लेना है, ये पार्ट ले लेते हैं दोबारा से, हम यहाँ से कट करते हैं, इसको डिलीट करेंगे और ये पार्ट ले लेते हैं 5 सेकंड का। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अब इसको कट करके ये डिलीट कर देता हूँ, ये बाकी के सारी वीडियो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं समझाने के लिए ये 25 सेकंड की वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ से कितने पार्ट निकाल लिए वीडियो के, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पार्ट हमने इसके निकाल लिए। अब देखें, हम इसकी जो टाइमलाइन है यहाँ पे एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं, सही है। तो सबसे पहले हम इसको जो वीडियो का पार्ट है इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस और प्लस के दो बटन आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से टाइमलाइन बड़ी हो गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट्स के अंदर, ये ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये देखें कितनी तरह की यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन्स आ गई, बहुत तरह की एनिमेशन्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी एनिमेशन आपने अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली एनिमेशन अप्लाई करनी है, इसका प्रीव्यू भी दिखाएगा, जब आप एनिमेशन्स के ऊपर लेकर जाएंगे तो उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा होगा। तो जो भी एनिमेशन आप लोगों ने अप्लाई करनी है उस एनिमेशन के ऊपर हम जस्ट इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट वाली एनिमेशन को हम पहले डाउनलोड करते हैं, यहाँ देखें एक डाउनलोड का आइकन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखें जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा तो ये वाली एनिमेशन डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो गई। अब इस एनिमेशन को देखें, यहाँ से हम उठाएंगे और लाकर इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो दोनों हमारी वीडियोज़ हैं इसके बिल्कुल सेंटर में लाकर छोड़ देंगे। अब देखें मैं वीडियो को अपनी प्ले करता हूँ, ये देखें लग गई, कितनी बेहतरीन एनिमेशन लगी है हमारी। यहाँ पर दोबारा आते हैं, दोबारा इसको प्ले करते हैं, ये देखिए इस तरह से एनिमेशन चेंज होगी, सेकंड क्लिप आ जाएगा। अब हमें थर्ड क्लिप के ऊपर लगानी है, तो थर्ड क्लिप के ऊपर हम कुछ ये वाली लगा लेते हैं, ये भी अच्छी लग रही है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, आई थिंक डाउनलोड हुई भी है मेरे पास, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखें यहाँ पे सेंटर में लाएंगे इसके और छोड़ देंगे। अब देखते हैं इसको हम प्ले करते हैं, ये देखें हो गई चेंज। अब हम अपनी थर्ड एनिमेशन लगाते हैं, तो थर्ड एनिमेशन ले लेते हैं कोई अच्छी सी, हम लोग ये वाली ले लेते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करेंगे एनिमेशन डाउनलोड हो जाएगी और जस्ट इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये देखें। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, ये देखें कितनी अच्छी एनिमेशन है। इसी तरह लास्ट एनिमेशन अपनी लगा लेते हैं, लास्ट एनिमेशन ले लेते हैं हम लोग, ये वाली भी अच्छी है ले लेते हैं, इसको क्लिक करके डाउनलोड करते हैं, बहुत ही जल्दी से डाउनलोड हो जाती हैं छोटी छोटी एनिमेशंस हैं, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देते हैं। अब देखें प्ले करते हैं इसको, ये देखें प्ले हो गई। तो इस तरह से बआसानी हम लोग अपने क्लिप्स के दरमियान कितनी अच्छी अच्छी एनिमेशंस यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर हम कोई टेक्स्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पर, तो हम यहाँ पर देखें टाइटल्स के ऊपर जाएंगे, देखें कितने सारे इतने खूबसूरत खूबसूरत जो है यहाँ पर टाइटल्स आ रहे हैं। तो ये वाला टाइटल एक हम डाउनलोड करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने क्लिक करा टाइटल देखें हमारा डाउनलोड हो गया सोशल मीडिया से रिलेटेड, इसको हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे लाके। अब ये देखें ये टाइटल आ गया हमारा, इस तरह से ये कुछ आएगा जैसे ही हमारी वीडियो स्टार्ट होगी। इस टाइटल को अगर एडिट करना है हमने, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइटल की प्रॉपर्टीज़, ये सारी तमाम प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। इस पर हमने क्या करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया नेम। तो हमारा जो भी चैनल का नाम है या हम जो भी यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टिंग वीडियो, आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा नाम आ गया। अब देखें इसको हम चेंज करते हैं, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट आ गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं फॉर स्टूडेंट्स, ये चेंज हो गया। अब देखें जैसे ही हमारी वीडियो स्टार्ट होगी हम इसको प्ले करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का जो है ये पहले टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अब हमें सेकंड टेक्स्ट लगाना है, सेकंड स्लाइड पे हो तो हम यहाँ पर आएंगे, जो भी टेक्स्ट यहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वो आप टेक्स्ट ले सकते हैं, ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं, जस्ट क्लिक करके डाउनलोड हो जाता है, बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर आएंगे डबल क्लिक करेंगे और सेम यहाँ पर इसको भी हम चेंज कर देते हैं,
बेस्ट क्लिप, ठीक है, और बाहर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमारा सेकंड जो है हमारा ये स्टार्ट होगा, ये देखें वीडियो, तो हमारे जो सेकंड इसका टाइटल है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपने जितने भी टाइटल्स वगैरह यहाँ पे लगाने हैं आप लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। मैं बिल्कुल बेसिक आपको जो है इसके ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब देखें हम इफ़ेक्ट के अंदर आते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई अच्छा सा बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से बॉर्डर डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एक ये बॉर्डर बहुत अच्छा है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देखें यहाँ पर हमने लगाया, और इस तरह से जैसे ही हमारी वीडियो प्ले होगी तो देखें बॉर्डर आ जाएगा। तो इसको हम जितना भी बड़ा करना चाहें, देखें ये टाइमलाइन है इसकी, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से पूरी वीडियो पे कर देते हैं। अब ये पूरी वीडियो के ऊपर जो है हमारा ये प्ले करते हैं, देखें इस तरह से बॉर्डर आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है फिल्मोरा 12 के, इतने अच्छे अच्छे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियो एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने कन्वर्ट किस तरह करना है, वीडियो को एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है, यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपोर्ट के अंदर। एक्सपोर्ट के अंदर आप जैसे ही जाएंगे देखें कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको इसको किस फॉर्मेट के अंदर वीडियो को बनाना है। हम MP4 पे क्लिक करेंगे, MP4 पे क्लिक करने के बाद अपने क्लिप का नाम देंगे, यहाँ पे क्लिप दे देते हैं, और इसकी लोकेशन दे देंगे कहाँ पे हमें सेव करना है। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं हम। यहाँ से इसकी आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, FPC चेंज कर सकते हैं, FPC 25 ही रखें तो अच्छा है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे कितना फास्ट ये यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ये देखें एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से बंद करते हैं, और यहाँ पे देखें ये हमारी वीडियो क्लिप आ गया, ठीक है। इसको प्ले में मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फुल स्क्रीन पे मेरे पास कॉपीराइट इशू ना आ जाए, क्योंकि ये मैंने वीडियो जो है डाउनलोड करके बस टेस्टिंग के लिए आपको एडिट करके दिखाई है, तो ये पता नहीं किसके क्लिप होंगे तो इस पर कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा इसको वीडियो को, ठीक है ना। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ से इसको एडिट करा है। तो बहुत ही जो है ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा 12, इसको यूज़ करें, ट्राई करें, बिगनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। जी तो फ्रेंड्स, फिल्मोरा 12 की ये बेसिक वीडियो एडिटिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।